अभी देखिए ये जो नया जीआर आया है जो 14 अक्टूबर 1921 को ये रिलीज किया गया है, इसमें देखिए अंतर बहुत बड़ा है। अंतर मैं क्या कहूंगा कि इसके शब्दों में भी बहुत सारा परिवर्तन है, और परिवर्तन में आप देखेंगे कि कितना बदलाव और कितना डेवलपमेंट इसमें हुआ है। ये एक्ट जब 1924 में था और 1924 में जाकर उसके बाद जब 1937 में यह एक्ट बना था, उस पीरियड में ये कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट रूल्स कहा गया था। तो आप देखेंगे कि उस पीरियड में 1937 में ये एक्ट को कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट रूल्स कहा गया था, जिसमें ये एम्प्लॉइज जो थे उनको उस पीरियड में 1937 में सर्वेंट कहा गया था, सर्वेंट। लेकिन अब देखिए कितना इसमें बदलाव किया गया है ये एक्ट में, और ये जो नया एक्ट आया है इसमें कहा गया है कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज सर्विस रूल्स कहा गया था। तो देखिए इसमें काफी मेहनत, मैं समझता हूं माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, और माननीय ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट जो दिल्ली है, और फिर उसके नीचे बदलाव आता है प्रिंसिपल डायरेक्टर के जो ऑफिसेस होते हैं, तो ये सभी ऑफिसेस मिलकर ये सुझाव देते हैं। ये सुझाव हर एक ऑफिस से वहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट को जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट इनके साथ माननीय रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और रक्षा राज्य मंत्री ये बैठकर इसमें सुझाव लिए जाते हैं और फिर एक्ट में ये बदलाव किया जाता है। तो इसमें अगर मेहनत देखी गए तो अगर देखा ये गया कि इसमें काफी सारे तज्ञ जो लोग होते हैं, जो टैलेंटेड और अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनके भी सुझाव लिए जाते हैं। और जहां तक मैंने देखा है, हमारे पास कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो लखनऊ में हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड लखनऊ, कैंटोनमेंट बोर्ड शिलांग, कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली, मीरठ, महू। तो इन सभी कैंटोनमेंट में विविध प्रकार के कैंटोनमेंट के एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के यूनियन काम कर रहे हैं। मेरी हर वक्त इनसे चर्चा हुई है, मैंने इनसे कहा कि ये जो नया एक्ट आया है इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो बहुत ही नेगेटिव ऐसा उत्तर आया है कि सर हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है। तो हम ये बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जब ये इतना बड़ा एक्ट जो हम 1937 में यह एक्ट बना गया था, 1937 से लेके आज 2021 में जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें जो बदलाव किया है, तो हम ये समझते हैं कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से कि जितने भी कैंटोनमेंट के जो एम्प्लॉइज है, इतने टैलेंटेड एम्प्लॉइज है, इतने शिक्षित एम्प्लॉइज है, तो इन्होंने ये एक्ट को पढ़ना चाहिए। ये एक्ट को पढ़कर इसके रिएक्शंस और ऑब्जेक्शंस और अमेंडमेंट कुछ अगर होंगे तो सुझाव डेफिनेटली देना चाहिए। हम तो हमारे तरफ से कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से, हमारी कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की जो टीम होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी है जो हमको ये सजेशन देते रहते हैं, हम डेफिनेटली हम तो हमारा काम करेंगे ही, लेकिन एक उत्तरदायित्व और एक आपका एक बेसिक गुणधर्म होना चाहिए कि कैंटोनमेंट के जो एम्प्लॉइज है कृपया करके इस एक्ट को पढ़े और कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस, कुछ कमेंट्स डेफिनेटली कैंटोनमेंट एक्सप्रेस को दे। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, हम इसमें डेफिनेटली
कैंटोनमेंट का ये जो नया एक्ट है इसका अध्ययन करेंगे, इसमें आपको जरूर इसकी पूरी मालूमात देंगे, इसमें बिट वाइज भी हम आपको सजेशन देंगे। सर्विस रूल्स जो आए हैं 1921 का, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है, हमने जो पढ़ी है, हमारे कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की टीम इसका पूरा अध्ययन कर रही है, धीरे धीरे आगे के सभी वीडियोस में आपको इसका पूरा विवरण आ जाएगा, और इस विवरण में आपको हर एक चीज का स्प्लिट अप दिया जाएगा कि इस कैंटोनमेंट जो सर्वेंट रूल्स आया है इसमें क्या बदलाव हुआ है। और हम ये समझते हैं कि पढ़ने में जो आया है सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा अच्छा फायदा जो कैंटोनमेंट एम्प्लॉयज का है ये है कि अभी इसके बाद हम ये समझते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयी जो एक दूसरे कैंटोनमेंट में काम कर रहा है वो दूसरे कैंटोनमेंट में जा पाएगा, इनकी ट्रांसफर्स पॉसिबल हो पाएंगी, ऐसा इस एक्ट में दिख रहा है। और आगे के हमारे अध्ययन में और आगे के हम आपके वीडियोस में हम ये बताएंगे कि एक कैंटोनमेंट से एक जो एम्प्लॉयी काम कर रहा है वो दूसरे कैंटोनमेंट में जा पाएगा या नहीं। तो ये जो पूरा अध्ययन का जो भाग है, फिर से हम कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि जितने भी भारत के 62 कैंटोनमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं, और ये डेफिनेटली हमारा कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का जो वीडियो होता है ये 62 कैंटोनमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन तक ये पहुंचता है, और हम ये समझते हैं कि आपने इस एक्ट का एक कॉपी जो लिंक हमने नीचे दी गई है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप इसका अध्ययन कीजिए और इसके डेफिनेटली कैंटोनमेंट एक्सप्रेस को इसके कमेंट्स दीजिए, और जहां जहां हम ये शेयर नहीं कर पाएंगे आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न है डेफिनेटली हम आपको इसमें विवरण देंगे और इसका जवाब देंगे। आप डेफिनेटली इसको कमेंट कीजिए या एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप आपका विचार व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। धन्यवाद।